नमस्कारम दोस्तों, अभी हो रहा है सुबह के 4:30 और आज मेरी दूसरी दिन है रामेश्वरम में। तो इतना सुबह मैं कहाँ जा रहा हूँ नहा धो के, ऑब्वियसली जिस जो मेरा मेन सपना ही बोल सकते हो, मेरे को भारत के 12 ज्योतिर्लिंग जाना है, दर्शन करना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ रामेश्वरम मेन टेम्पल में। तो जो ज्योतिर्लिंग मणि है वो 4 से 6 बजे तक ही, मतलब ये 2 घंटा ऐसा कुछ ओपन रहती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, तो अभी सुबह 4 बजे उठा नया और यहाँ से करीब 400 मीटर है मेरा होटल से, करीब 1 किलोमीटर ऐसा तो है ये मेन टेंपल जो है, मेन मंदिर जो है। तो अभी मैं वही जा रहा हूँ और सकते हैं भोलेनाथ की कृपा से मुझे मणि दर्शन हो जाए, क्योंकि बहुत उम्मीद लेके आया हूँ बाबा से कि मुझे दर्शन करना है। और चलो आगे बात करते हैं आपसे। वही सामने जो मेन मंदिर आपको दिख रहा होगा, तो दोस्तों वही जा रहा हूँ और वही रामेश्वरम मेन टेंपल है। साउथ की जितनी भी मंदिर्स होती है ना, बड़े बड़े जो बड़े, तो काफ़ी 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 ज़्यादा खूबसूरत होती है दोस्तों। तो चल चलते अंदर, क्या प्रोसेस है देखते। मुझे तो कुछ नहीं पता कैसे कहाँ की रस्से आना, पूछ जाना पड़ेगा। ये हम टेंपल के सामने खड़ा है और व्यू देख रहा होगा आपको यहाँ पूरा व्यू। तो खड़े हैं फिर देखते, फिर यहाँ से चलते अंदर मंदिर के अंदर। देखो ना इसका इंटीरियर कितनी अच्छी है, पता नहीं मोबाइल अलाउड है कि नहीं है, पर हम जितना हो सकता है खींचेंगे। बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी और बहुत बड़ा मंदिर है दोस्तों, बहुत बड़ा। तो कितना चल के यहाँ अभी ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो अंदर की तो हमारे दर्शन हो गई, बताते हैं बाद में। दूसरी और एक गेट है दोस्तों, शायद मैं इधर से एंट्री किया, मालूम नहीं, अभी आगे जाके देखना पड़ेगा। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मंदिर है ये रामेश्वरम टेंपल, मेन टेंपल है। इसके बाद और छोटे छोटे काफ़ी मंदिर है अंदर। और सामने जो देख रहे हैं ये नॉर्थ गेट है, तो मैंने एक्चुअली साउथ गेट से एंट्री किया, तो इधर से आया, फिर यहाँ से मेरे को अभी वापस साउथ गेट में ही जाना है, क्योंकि उधर ही मैंने चप्पल छोड़ गया। तो इधर जाके मैं सीधा लेफ्ट लूँगा और फिर मेरे को साउथ गेट मिलने वाली। गेट दिख रहा है दोस्तों, ये ईस्ट गेट, पॉसिबली ईस्ट गेट होंगे, और मेरे को लग रहा है मैंने इधर से एंट्री किया। तो जाते देखते हैं, चप्पल शायद इधर ही होनी चाहिए, पर मैंने यहाँ से एंट्री किया। तो काफ़ी बड़ी दोस्तों, ह्यूज ह्यूज, काफ़ी बड़ी है ये मंदिर दोस्तों। पीछे देख रहा होगा रामेश्वरम टेंपल, जैसे अभी मैं अंदर गया और करीब 1 से 1.5 घंटा लगा मुझे मणि दर्शन के लिए। और जो एक्सपीरियंस था दोस्तों, ये सब चीज़ें मैं बता के नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि ये बता के समझने वाले चीज़ ही नहीं है। आप एक बार ज़रूर आओ यहाँ पर और इस जगह पे, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे, और मणि दर्शन के लिए आपको सुबह ही आना पड़ेगा। और क्या बताएं दोस्तों, कभी आओ तो दिल खुला करके आओ, अपना लॉजिक और साइंस पीछे फेंक के आ जाओ और ज़रूर आप कुछ ना कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करेंगे, ये मेरा वादा है दोस्तों आपसे। बस क्या बताएं, बहुत ही अलग ही लेवल की एक्सपीरियंस है दोस्तों मेरे लिए।